मुख्यमंत्री को सामने आकर इस विषय को रखने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी? एमएलए की गिनती ठीक कर सकती है लेकिन यहाँ की भावनाओं को सम्मान नहीं दे सकती है। उनका फर्ज था कि सामने आते और इस विषय पर जो भी हुआ है उनको जवाब देना चाहिए था। लोगों ने इसको क्रिएट किया है और किसी और को दोष नहीं, सरकार ने किया है। ये नोटिफिकेशन किसका, नोटिफिकेशन किसने निकाला? जिस भाषा विवाद को लेकर इतना बड़ा उन्नयन हो रहा है, गाँव तरफ सामने आ रहे हैं, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? चूंकि झारखंड में गठित सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला और अभी उन्हीं के मंत्री इस बयान को रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री इस बात को बोलते जा रहे हैं। इस पूरे समय में क्या ये उचित नहीं बनता था कि इस पूरे विषय पर झारखंड के मुख्यमंत्री सामने आकर बयान दे? आप झारखंड में ये सारी घटनाएं देख रहे हैं, सारी घटनाएं घट रही है। लोग गाँव से एक नौजवान, पढ़ने वाला नौजवान सड़क पर आके अपनी आवाज, अपने हित की बात और चर्चा करने लगा है, झारखंड के स्वाभिमान पर चर्चा करने लगा है, झारखंड के गठन के उद्देश्य को अपने श्रीमुख से बताने लगा है। तो ये आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि झारखंड और झारखंड के नाम से बनने वाली सरकार जो एमएलए की गिनती ठीक कर सकती है लेकिन यहाँ की भावनाओं को सम्मान नहीं दे सकती है? उनका फर्ज था कि सामने आते और इस विषय पर जो भी हुआ है उनको जवाब देना चाहिए था। कोई न जनप्रतिनिधि इससे भाग नहीं सकते हैं, चुप रहना गलत चीज को बल देना होगा। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि झारखंड के लिए अगर थोड़ा भी सोचते हैं तो तुरंत सामने आकर इसको स्पष्ट करना चाहिए, वरना सरकार का क्रिएट किया हुआ विषय है। सरकार वो 70 का वो मामला जिस तरह से आग लगाना फिर बुझाने का काम करना, अब वो पब्लिक उस तरह रही नहीं। पब्लिक सब चीज जानती है, जनता सब चीज जनता को बोध है। अब देश दुनिया की हर घटनाएं क्षणिक समय पर आ जाती है और आपका इतिहास आपका परिचय देता है, इसलिए ऐसे चीजों से बचे। और हम सबका प्रयास है कि झारखंड में उनके उद्देश्य को सफल ना होने देना, जो उनका उद्देश्य है कि झारखंड में कोविड काल 2 साल उनका बीत गया, 2 साल में जो दायित्व उनका था, जो संकल्प उनका था, जो निश्चय उनका था, जो निश्चय की इतनी बड़ी पोती जो उन्होंने बना के झारखंड के विश्वास को जीतने का या भ्रम करने का जो काम किया था, आज उस विश्वास तार तार हो रहा है, फिर से उन्होंने फैला के लोगों का ध्यान भटकाने की ये कोशिश सरकार की। वो बोल रहे हैं कि ये पूरा जो बोकारो धनबाद में लोग उतरे थे इस पे आंसू और बीजेपी वाय लोग हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? 50 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा का हुआ, गुरुजी दुमका जाते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50 साल धनबाद में मनाया जाता है, उस मंच से रूलिंग पार्टी के नेताओं का या ना उनका सामने आकर बोलने में क्या अर्ज है? हम उनसे सुनना चाहते हैं, अगर कोई भी विषय है तो किसी अन्य से ना सुनो कि मुख्यमंत्री को सामने आकर इस विषय को रखने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in